व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ बैंगन से बनने वाली एक बहुत ही डिलीशियस असाधारण रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। गाइज, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए जल्दी से ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैंने देखिए इस साइज का बैंगन जो है लिया है और इसके छिलके को जो मैं हूँ उतार ले रही हूँ। तो गाइज देखिए, बैंगन के छिलके मैंने उतार लिए हैं और इसे अच्छे से साफ पानी से वॉश कर लिया है। कपड़े की मदद से सभी पानी को जो है अच्छे से पोंछ लीजिएगा। तो गाइज, पानी को जो है मैंने इस पे अच्छे से पोंछ लिया है। तो चलिए अब इसे हम कट करते हैं। तो गाइज, इस तरह से हमें पहले पीछे के हिस्से को थोड़ा काट लेंगे और इस तरह से मिडिल से हम जो है एकदम लंबा काटेंगे, पूरा एकदम नहीं, नीचे से थोड़ा सा हिस्सा हमें छोड़ देना है, देखिए इस तरह से। और इसी तरह से हम एक और बार काटेंगे ऐसे ही लंबे, और फिर हम एक बार और इसे काटेंगे। आप इससे भी पतला अगर कट कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने चार जो है इसका कट लगा लिया। अब इस तरह से लंबा करते हुए हमें इस तरह से छोटा छोटा जो है कट लगा लेना है। जैसा आप जितना पतला पतला आप कर सकते हैं आप जरूर वैसा कीजिएगा। देखिए, इस तरह से हमें लंबे लंबे कट लगा लेना है। गाइज, इस रेसिपी में जो है कटिंग ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कटिंग से ही ये रेसिपी जो है देखने में अच्छी लगेगी, तो कटिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा और अच्छा काटने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह से गाइज जो है हमें काट कर तैयार कर लेना है। इसी तरह से मैं आपको एक और काट कर दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमें सीधे काट लेना है और वापस से इस तरह से लंबे से काटेंगे और फिर एक बार और हम इसे कट करेंगे। फिर इस हिस्से से हमें इस तरह से इसे लंबे लंबे काट लेना है। तो गाइज, इसी तरह से हमें जो है काट कर इसे तैयार कर लेना है। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे, तो मैरिनेट करने के लिए इस पे मैं हल्दी डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से देखिए इस तरह से बैंगन पे लगा ले रही हूँ। हल्दी लगा लेने के बाद अब इस पे मैं नमक लगाऊंगी। तो नमक और हल्दी डालकर हमें इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। तो गाइस, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, तुरंत ही तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अगले स्टेप में एक बाउल लिया है जिसमें मैंने बिस्किट्स ऐड किए हैं। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। इसे हमें मिक्सी जार में डालकर पाउडर तैयार कर लेना है। अगर आपके पास बिस्किट ना हो तो आप ब्रेड का जो है पाउडर तैयार करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, बिस्किट का जो है पाउडर तैयार हो गया है, तो चलिए इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल जिसमें मैंने कॉर्नफ्लोर को ऐड कर लिया, यानी कि मक्के का आटा। साथ ही इसमें हम ऐड कर रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर मैंने इसमें मिला लिया है और अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। गाइज, बैंगन को मैरिनेट करते वक्त हम लोग ने पहले भी नमक डाला था, तो इसीलिए ध्यानपूर्वक स्वाद अनुसार नमक जो है डाल लीजिएगा।
और अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पानी को ऐड करके इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो गाइस घोल जो है हमें थोड़ा पतला लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा और कॉर्नफ्लावर जो है ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस इस तरह का घोल जो है बनकर तैयार हो जाएगा। गाइस अब हम बैंगन पे अच्छे से घोल को जो है लगा लेंगे। तो इस तरह से घोल में डालकर बैंगन पे जो है अच्छे से हम घोल को लगा लेंगे। तो अच्छे से जो है बैंगन पे घोल लग गया है। अब हम बिस्किट का जो पाउडर तैयार किए हैं उस पे इसे अच्छे से जो है कोटिंग कर लेंगे। तो गाइस हमें अच्छे से बिस्किट पाउडर से इसकी कोटिंग कर देनी है। तो गाइस कोटिंग जो है हो गई है, अब इसे हम छानेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में ऐड किया कुकिंग ऑयल, ऑयल को एकदम अच्छे से गर्म कर लिया दोस्तों। और अब इसमें हम फ्राई होने के लिए बैंगन को जो है ऐड कर लिए हैं। तो गाइस इसमें अच्छा सा एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें सभी तरफ से इसे अच्छे से पकाना है। इस तरह से देखिए करते जाइएगा, घुमाते हुए इसे अच्छे से सभी तरफ से इसे हम एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का पका लेंगे। तो गाइस ये गोल्डन ब्राउन कलर की जो है देखिए पक गई है। तो तेल को अच्छे से छान लिए हैं और अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो गाइस ये तैयार हो गई है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है, तो आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और ऐसी ही इजी और डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक कि चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।